हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूं आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं पोटैटो स्माइलीज, जो कि हम सभी को बहुत पसंद आती है। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने ये 4-5 आलू लिए हुए हैं कुकर में। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और इसको 1 से 2 सीटी आने तक, जब तक कि आलू उबल ना जाए, इसको गैस पर रख के पका लिया है। आलू उबलने के बाद, ये मेरे आलू अब उबल चुके हैं और थोड़े थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं। मैंने आलूओं को एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब इन आलूओं को ये मैं इस तरीके से पूरा छील ले रही हूँ। उसके बाद आलू को हम एक ग्रेटर की हेल्प से इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमारे ये जो आलू हैं वो हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हों। बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए आलू, वरना कद्दूकस होने में आलू को थोड़ा सा दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने 3 आलू को ही कद्दूकस किया हुआ है, बाकी को मैंने अलग रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसके अलावा मैंने ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, जिससे कि ये हमारे आलू थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और हमारे स्माइलीज भी बहुत क्रिस्पी बनेगी। कॉर्नफ्लोर डाल के हम इसको इस तरीके से पूरा मिक्स करते हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हमें थोड़ा सा और डाल लेंगे। अभी मेरे ये आलू थोड़े से हमें गीले लग रहे हैं, चिपचिपे से, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ। इस तरीके से मैं पूरा मिक्स कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर इकट्ठा नहीं डालना है। और कॉर्नफ्लोर कितना पड़ेगा ये कभी कभी आलू पे भी डिपेंड करता है कि आलू कितना आपका गीला है। ये अब मेरा बहुत अच्छे से हार्ड हो चुका है। अब हम इसे हाथ धोकर बेलने की तैयारी करते हैं। बेलने के लिए ये मैंने प्लास्टिक शीट ली हुई है, 2 पतली पतली, कोई भी प्लास्टिक शीट आप ले सकते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक शीट साफ करके मैं हाथों में, मैंने ये तेल लगा लिया और जितना मैंने आलू मैश किया था उसका लगभग आधा हिस्सा मैंने एक बार में ले लिया है। अब मैं ऑयल ऊपर नीचे लगा कर इस तरीके से ये इसके ऊपर, शीट के ऊपर रख दूंगी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट और रख दिया और इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरीके से शीट घुमा घुमा कर बेलने से ये बहुत ईजिली बेल जाएगा। ये हमारा बिल, इसे मुझे बहुत पतला नहीं बेलना है। स्माइलीज की जितनी मोटाई होती है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये शीट हटा दिया है मैंने, ये देखिए ये कितना मोटा है। इस तरीके से ये इतना ही मोटा रहेगा। अब हम एक कटर या फिर कोई धार वाली कटोरी ले लेंगे और उसे इस तरीके से सारे स्माइलीज को कट कर लेते हैं। स्माइलीज छोटी कटोरी जो आपके घर में होगी उसी से आप कट कर लीजिएगा इस तरीके से सारे स्माइलीज बनाने के लिए। और एक्स्ट्रा जो आलू है उसे हम सब निकाल देते हैं। ये सारे हमारे निकल गए। अब मैं इसको लाइन से रख दे रही हूँ ताकि मुझे इसका फेस बनाने में इजी हो। अब हम एक स्ट्रॉ लेते हैं। स्ट्रॉ को मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी। जब अच्छे से प्रेस करके इसके बाद राउंड राउंड घुमा देना है तो जो आलू है वो स्ट्रॉ के अंदर चला जाएगा। ये देखिए मेरे स्माइलीज की आँखें बन रही हैं। कितनी आसानी से ये जब प्रेस करेंगे उसके बाद राउंड राउंड घुमा देंगे। अब एक चम्मच की हेल्प से मैं इसमें स्माइल डाल दे रही हूँ। सारी स्माइलीज मेरी अब मुस्कुराना शुरू कर दी हुई हैं। इस तरीके से आप कर लेंगे। बस हमारी स्माइलीज तैयार हैं पूरा फेस। इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर दिया है कढ़ाई में अच्छे से। जब हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं ये स्माइलीज को एक एक करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। शुरू में तेज आंच पे रहेगा, लेकिन जैसे ही ये हमारा गोल्डन हो जाता है हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। मीडियम स्लो फ्लेम पर ही हम स्माइलीज को पूरे टाइम पकाएंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो डार्क ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी और क्रिस्प भी नहीं होगी। कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारी स्माइलीज इसमें बहुत क्रिस्प बननी है, लेकिन इसके लिए हमें ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि हम स्माइलीज को फुल फ्लेम पे ना फ्राई करें।
अब ये हमारी स्माइलीज बिल्कुल रेडी हैं, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से डालेंगे। पहले फुल फ्लेम पे इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके इसको क्रिस्प होने तक इस तरह से तेल में पकाएंगे और निकाल लेंगे। ये हमारी स्माइलीज रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस समय स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है, उसे प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।